दो कदम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया में राइजिंग राजस्थान से पहले संवाद, विदेशी निवेशकों के साथ हुआ सीएम मजन लाल शर्मा का संवाद, तो डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रहे मौजूद। उद्योग विभाग के प्रशासन प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा भी शामिल हुए हैं। मौके पर हुए निवेशकों के साथ एमओयू भी, तो कोरिया की राजधानी सियोल में ये संवाद हुआ। दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग इन्वेस्टर्स से डायलॉग होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये जानकारी क्योंकि सीएम भजन लाल शर्मा अब गए हुए हैं दक्षिण कोरिया और वहां पर ये बातचीत हुई है, संवाद हुआ है। तो विदेशी निवेशकों के साथ सीएम भजन लाल शर्मा का, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे और ये संवाद रहा है सीएम भजन लाल शर्मा का। उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा भी शामिल हुए हैं और अलग अलग इन्वेस्टर्स से अब डायलॉग भी होने हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, चाहे वो खनिज के क्षेत्र में देखिए, चाहे वो स्टोन के क्षेत्र में देखिए। पर्यटन तो राजस्थान का बेहतरीन है ही, और देश ही नहीं विदेशों से लोग यहां पर घूमने आते हैं। तो ऐसे में कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को कैसे इस बारे में ये बताया जाए और कैसे उनको राजस्थान बुलाया जाए इन्वेस्ट के लिए और बेहतरीन राजस्थान बनाने के लिए, यही एक कोशिश। ये तस्वीर देखिए, सीएम भजन लाल शर्मा अपने सामान्य परिधान से कुछ अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ शशि मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, तस्वीर नजर आ रही है, मुस्कुराहट सीएम भजन लाल शर्मा के चेहरे पर है और ये बता रही है कि राजस्थान के लिए वो क्या विजन रखते हैं और क्या कुछ बातचीत इन्वेस्टर से रही होगी। ये सिंबॉलिक है और ये सिंबल है एमओयू की शुरुआत का। दरअसल अब एमओयू होना शुरू हो गए हैं और इसी को दर्शाती हुई ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस एमओयू के साथ में आप ये भी देखिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो संपन्न हुई है, जिसमें टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े लोगों से संवाद हुआ है। इसके साथ में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और होगी, जिसमें स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में संवाद होगा। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सुबह ही दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे, होटल लॉटे में उनका स्टे रहा और साथ में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में सीईओ रहे जीएस इंक के, योंगना रायू रहे वाइस प्रेसिडेंट टीबीसी के, बुम जिन चो रहे टीम लीडर थे, ये रिप्रेजेंटेटिव रहे अलग अलग जो कार्टेक्स थे उनके, और अभी भी और लगातार संवाद होंगे। और ये एमओयू भी मौके पर ही कुछ होना शुरू हो गए हैं। दरअसल ऑफिसर्स की टीम अजिताभ शर्मा की अगुवाई में पहले ही पहुंच गई थी और उस टीम ने वहां अलग अलग इन्वेस्टर्स जो रुझान रखते थे, क्योंकि देखिए अचानक हुई हुई तैयारी नहीं है, ये लंबे समय से इस पर काम चल रहा था और इसके लिए पहले से ही निवेशकों को देखा जा रहा था किन में पोटेंशियल है और कौन यहाँ पर आ सकते हैं, जो दूसरे देशों में भी टूरिज्म चेन के रूप में काम करते हैं, ऐसे निवेशकों से संवाद हुआ है और इसीलिए ये एमओयू साकार हो पाए हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। दरअसल एमओयू होना एक सिंबल ये भी है कि निवेशक आना शुरू हो गए हैं और ये जब उन के निवेशकों के देश में इन चीज की चर्चा होती है तो दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक कॉन्फ्रेंस और होनी है राउंड टेबल की, इसके अलावा अलग अलग छोटी मीटिंग्स भी होंगी, रोड शो भी होंगे और ये रोड शो दरअसल एंटरप्रेन्योर्स के साथ में जो संवाद का कार्यक्रम रखा गया है उसी को रोड शो का नाम दिया गया है। केमिकल इंडस्ट्री से भी संवाद होगा और केमिकल इंडस्ट्री भी साउथ कोरिया की बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, ऐसे में उनसे भी मुलाकात के लिए अलग से समय रखा गया है। अभी ये पैरेलल मीटिंग टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में हुई है। जी अच्छा, तो ऐसे में शशि मोहन, जो एमओयू हुए होंगे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हुए होंगे। देखिए अभी जो पहली राउंड टेबल रही वो टूरिज्म सेक्टर के लोगों के साथ में रही और फिर पैरेलल विभागवार और अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ में मीटिंग हो रही है और ये जो मीटिंग शेड्यूल है इस
के मुताबिक केमिकल इंडस्ट्री के साथ में भी एक संवाद होना है, फिर स्टोन इंडस्ट्री के साथ में संवाद होना है। तो ये जो सारा संवाद होगा, इस संवाद के दौरान तो नई निवेश की रूपरेखा तय होगी ही, लेकिन सेवी जॉर्ज जो कोरिया में भारत के राजदूत हैं, उनकी तरफ से भी एक डिनर का आयोजन रखा गया है और उस दौरान भी कुछ निवेशकों को बुलाया जाएगा और निवेशक के लिए एक भरोसे की बात होगी। जब राजदूत किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो राजदूत की मौजूदगी में और भरोसा विकसित होता है। जी बिल्कुल। एक शशि मोहन, एक चीज, क्योंकि जैसा एमओयू का जिक्र किया और ये तस्वीर जो नजर आ रही है ये बहुत बेहतरीन तस्वीर है, ये बता रही है कि कैसे उन्नत समृद्ध राजस्थान का सपना सीएम भजनलाल शर्मा देखते हैं और साथ में आपको डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी नजर आ रहे होंगे। शशि मोहन, जो एक राउंड टेबल बैठक हुई है वो टूरिज्म के क्षेत्र में हुई और भी कई जो बैठकें हुई उसका भी जिक्र किया, आज कितनी ये बैठकें होंगी? स्टोन का जिक्र आप कर रहे थे, कौन कौन सी और बैठकें होनी है? देखिए, अलग अलग बैठकें हैं जिसमें 5 से 6 की संख्या में रखी गई है। जो पहली बैठक रही वो जॉइंट मीटिंग थी, एक अलग अलग संगठनों के थे, उसके बाद में टूरिज्म रोड शो हुआ और वो जो टूरिज्म रोड शो हुआ उसके साथ में पैरेलल मीटिंग शुरू हो गई है। वो जो पैरेलल मीटिंग्स में टूरिज्म के जो अलग अलग सेक्टर हैं जिसमें हॉस्पिटलिटी सेक्टर है और ट्रेवल इंडस्ट्री का जो ऑटो कंपोनेंट वाला सेक्शन होता है वो भी इसमें मौजूद है, होटल इंडस्ट्री इसमें है। साथ में एक जो बात होगी वो केमिकल सेक्टर से भी अब थोड़ी देर में संवाद शुरू होगा और उसके बाद में ओसीआई होल्डिंग की एक मीटिंग है, 1-on-1 मीटिंग ये होगी, इसमें 4 स्लॉट रखे गए हैं। इसके साथ ही आप ये देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वहाँ लोकल मीडिया के साथ में संवाद भी होगा, उसके लिए भी समय रिजर्व रखा गया है। और एक शाम को जो डिनर है वो रखा गया है, उसका आयोजन अमित कुमार है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कोरिया में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से ये डिनर का आयोजन किया जाएगा, एम्बेसी में इसका आयोजन होगा और इसमें निवेशक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अनौपचारिक चर्चाएं होंगी निवेशकों के साथ। जी ठीक है, तो इस तरह पूरा दिन जो है वो पैक रहने वाला है, लेकिन राजस्थान के लिए ये बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए, और ये तस्वीर जरूर बता रही है कि किस तरह राजस्थान के लिए निवेशक अब आना शुरू हो गए हैं और राजस्थान के लिए किस तरह से आगे विजन, खुद मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम भी साथ में मौजूद है, किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह जो टीम है, क्योंकि टीम पहले ही पहुंच चुकी थी और उन सभी ने अब निवेशकों से एक तरह से बातचीत हो गई है और एक जो एक खाका रहता है वो तैयार कर लिया गया है, एमओयू भी हो गए हैं एक तरह से, और अब आगे जो निवेशक हैं वो ये एक सिंबॉलिक एमओयू होते हैं और इनके द्वारा ये तय हो गया है कि निवेश जो है राजस्थान में वो अब बड़े स्तर पर होना शुरू हो जाएगा, और चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो चाहे फिर वो स्टोन हो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। अब इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे जो निवेशक आए, कंपनीज आए, उसके बाद और ज़्यादा इसको डेवलप किया जाए, और इस डेवलपमेंट से विकास से होगा ये कि जितना अभी तक राजस्थान को देश या विदेश स्तर पर जाना जाता है और तेजी से और बेहतर स्तर पर जाना जाएगा और रोजगार के बहुत सारे कह सकते साधन उपलब्ध होंगे।